नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आज हिंदुस्तान की एक सबसे चर्चित खबर को लेकर आपके बीच हूँ। उसके बारे में हम एक जानकार विशेषज्ञ से बात भी करेंगे। वो खबर है नवजोत सिंह सिद्धू की। नवजोत सिंह सिद्धू आप जानते हैं, हिंदुस्तान के एक मशहूर क्रिकेटर रहे हैं, मशहूर कॉमेडियन रहे हैं, राजनेता रहे हैं। अगर मुझको ठीक से ध्यान पड़ रहा है तो बीच में साल भर जेल भी हो के आए हैं। किसी सड़क हादसे में उनको जिम्मेदार ठहराया गया था, ऐसा मुझको याद पड़ रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू थोड़ा सा अच्छा जोड़ा है इनका, इनकी पत्नी का नाम भी नवजोत कौर है, नवजोत कौर सिद्धू, डॉक्टर भी हैं वो। उनको कैंसर हो गया था, उस कैंसर का इलाज उनका चलते रहा, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने उनकी पत्नी का इलाज किया, रेडियोथेरेपी, सर्जरी, कीमोथेरेपी, जो जो चीज़ों की ज़रूरत रही होगी वो सब उनका हुआ। लेकिन उनके ठीक हो जाने के बाद सिद्धू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके, असल में कॉमेडियन की लंबी ज़िंदगी जीते जीते थोड़ा शायद लापरवाही और गैर जिम्मेदारी की बात करने की उनकी आदत हो गई होगी, तो उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी जो है वो तो कुछ एक घरेलू चीज़ें हैं, उन घरेलू चीज़ों को खा पी के ही ठीक हो गई थी। उन्होंने इलाज भी बतलाया, हल्दी, नीम और खान पान। उन्होंने कहा कि बीट रूट और कार्बोहाइड्रेट फ्री डाइट, इन सब से उनका पत्नी का कैंसर जो है 40 दिन के भीतर घरेलू नुस्खों से ठीक हो गया। ये उन्होंने कपिल शर्मा के शो में बताया, लेकिन कॉमेडी के बतौर नहीं बताया, गंभीरता से बताया। जैसे ही उनका ये बयान सामने आया तो डॉक्टरों में बड़ी नाराज़गी हुई इस बात को लेकर, क्योंकि सिद्धू की पत्नी भी एक डॉक्टर हैं। उनको लगा कि ये किस तरह की बात है, ठीक करने के समय तो आप मॉडर्न मेडिकल साइंस के पास उनको लेके आए, कैंसर अस्पताल लेके आए, आपका हर तरह से इलाज हुआ, नामी गिरामी व्यक्ति हैं आप, पत्नी डॉक्टर भी है, डॉक्टर के साथ दूसरे डॉक्टरों का एक कॉमरेडरी भी रहती है। इसके बाद जब आप ठीक हो गए पूरे के पूरे मॉडर्न मेडिकल साइंस से, उसके बिना अगर आपने केवल धनिया, नींबू, हल्दी और कार्बोहाइड्रेट फ्री डाइट और बीट रूट से अगर अपने आप को ठीक किया रहता तो भी समझ में आता। आपका पूरा कैंसर का जो प्रोटोकॉल है इलाज का पूरा इलाज हुआ। आप उसका श्रेय दे रहे हैं, क्रेडिट दे रहे हैं कि इस तरह की डाइट और ये सब्जी और कार्बोहाइड्रेट फ्री खाना और बीट रूट, इसके ऊपर आप आ जा रहे हैं। तो लोगों ने बड़ी आपत्ति की। आपको ध्यान होगा कुछ अर्सा पहले मैंने अखबार में इसके ऊपर एक एडिटोरियल भी लिखा था। टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल, जो हिंदुस्तान का शायद सबसे पुराना, सबसे बड़ा, सबसे अच्छा, प्रमुख एक अस्पताल माना जाता है, वहाँ काम कर चुके जो मौजूदा डॉक्टर हैं वो और जो निकल चुके हैं वो ऐसे 262, अगर आंकड़ा मुझको ठीक से याद है, 262 कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टरों ने एक बयान जारी किया कि बहुत गैर जिम्मेदारी का बयान है, इनका कैंसर का आधुनिक चिकित्सा विज्ञान से पूरा इलाज हुआ। और आज जब वो इस तरह की बात कह रहे हैं, मशहूर व्यक्ति हैं, उनकी बात को बहुत सारे लोग ध्यान से सुनते हैं, मैं भी जब तक कपिल शर्मा का शो बर्दाश्त कर सकता था तब तक मैं भी सिद्धू को सुनता था। उसके बाद मुझको लगा कि कपिल शर्मा एक बहुत ही गैर जिम्मेदार व्यक्ति हैं, किसी के मोटापे का मजाक उड़ाना, किसी के रंग का मजाक उड़ाना, किसी की जाति का मजाक उड़ाना, लोगों की खिल्ली उड़ाना ही उनका पेशा है, तो मैंने बंद कर दिया। लेकिन सिद्धू उनसे थोड़ा बेहतर हैं, यहाँ पे आकर वो चूक कर गए। उन्होंने जो बातें कही उस पे डॉक्टरों ने बड़ी आपत्ति की है, बड़ी आपत्ति की है। तो मैं समझना चाह रहा हूँ कि क्या ये धनिया मिर्च और क्या नीम और हल्दी और क्या कार्बोहाइड्रेट फ्री डाइट, क्या इससे भी कोई ठीक हो सकता है कैंसर? तो इसके लिए हमने छत्तीसगढ़ के एक प्रमुख कैंसर सर्जन हैं, डॉक्टर जयेश शर्मा, वो रायपुर मेडिकल कॉलेज से पढ़े हुए हैं, बाद में उन्होंने कैंसर में स्पेशलाइजेशन किया, वो यहाँ पर लगातार कैंसर की सर्जरी करते हैं, लिखने पढ़ने वाले हैं, कुछ वीडियो भी उनके रहते हैं, तो उनको हमने आज यहाँ पर आमंत्रित किया है इसी पे चर्चा के लिए। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सिद्धू वाला जो मामला है आपने भी पढ़ा होगा, और मैंने शायद कुछ सेकंड का आपका एक वीडियो भी देखा है जिसमें आपने इस बात पर मजाकिया लहजे में ही सही आपने आपत्ति जाहिर की है
कि भाई इलाज तो तुम्हारा मॉडर्न मेडिकल साइंस से हुआ, आप उसको धनिया मिर्च हल्दी बीट रूट को उसका क्रेडिट दे रहे हो, बिल्कुल आप मशहूर व्यक्ति हो, आपकी बात लोग सुनते हैं बहुत सारी, अगर वो गंभीरता से ले लेंगे तो बिना इलाज कई लोग हल्दी बीट रूट और नीम खा के मर जाएंगे। आपको इसके पहले का याद पड़ता है क्या कि 250 से ऊपर डॉक्टरों ने किसी एक बयान का ऐसा जोरदार खंडन जारी किया हो? बिल्कुल नहीं, आज तक मैंने कभी नहीं देखा है, ना मैंने कभी सुना है जी। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इन डॉक्टर्स के पास भी ना इतना टाइम है ना उनके पास इतना इसकी ज़रूरत है उनको ये जी, करने की जी। वो सब अपने अपने काम में व्यस्त भी हैं और बहुत आगे बढ़े हुए लोग भी हैं जी। तो ये जो इन्फॉर्मेशन हम देना चाह रहे हैं, मैं भी और दूसरे भी डॉक्टर्स देना चाह रहे हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है कि ये शॉर्टकट्स लेने का जो टेंडेंसी है, जो बीच का थोड़ा छोटा रास्ता ले लें और हम अपने ठिकाने पे पहुंच जाएं, ये कैंसर के हमारे इलाज में सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर है और इसकी वजह से हमने बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाते हुए और बहुत ज़्यादा सफ़र करते हुए देखा है। तो कि इस पैथी को ले लो, उस पैथी को ले लो, अल्टरनेट मेडिसिन ले लो या होम रेमेडी है, बिल्कुल दादी के नुस्खे हैं। और ये अक्सर क्या होता है, कोई पड़ोसी बोलता है या कोई मोहल्ले का कोई आदमी बोलता है, कोई कि हमारे काका जी ठीक हो गए, बिल्कुल इससे मैं वो उस राजनांदगांव में एक आदमी को जानता हूँ जो ठीक हो गया था, तो उसको कोई आदमी सुनेगा कोई आदमी नहीं सुनेगा, या उसको 5 लोग सुनेंगे उसमें से 2 मानेंगे, इसको तो करोड़ों लोग सुन रहे हैं। बिल्कुल, और करोड़ों में से अगर 1% भी अगर इसकी बात मान लें और अपने इलाज से दूर हट जाएं, तो वो आप सोचिए कितना बड़ा नुकसान करेगा। और ये सोशल मीडिया का ज़माना है, यहाँ पे कोई भी बात कोई भी क्लिप कभी मरती नहीं है, ये क्लिप 1 महीने बाद भी और 5 साल बाद भी लोग स्प्रेड करते रहेंगे। ये और अतृप्त आत्मा की तरह घूमते रहती है वीडियो बिल्कुल बिल्कुल एक वीडियो क्लिप अगर एक बार बन गई तो वो अमर वो अतृप्त ही रहती है। आप चाहे गया जी जाके उनका श्राद्ध कर दो, पिंड दान कर दो, वो अतृप्त की अतृप्त रहती है, घूमते रहती है। तो वही पिंड दान करने की हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो पता नहीं कितना एक्सेप्ट होगा। जी, तो ये सिद्धू ने आपको क्या लगता है क्यों कहा होगा, जबकि ये बात पहले उजागर हो चुकी थी, ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर उनके घर के भीतर की या अस्पताल के कमरे की तभी आई थी जब उन्होंने उजागर की होगी। मैं तो किसी पेशेंट की तस्वीर लेके नहीं पोस्ट कर सकता। बिल्कुल, तो उनकी पत्नी के बाल पूरे के पूरे निकल गए दिख रहे हैं, जो कि कैंसर की रेडियोथेरेपी में कीमोथेरेपी में होता है ऐसा। तो और उन्होंने बाद में, अब जब बवाल खड़ा हो गया है, बवाल खड़ा होने के बाद सिद्धू ने माना है, उन्होंने सोशल मीडिया पे लिखा है कि उनकी पत्नी ने ये नुस्खे मेडिकल एक्सपर्ट की सलाह के बाद अपनाए और केवल डाइट ही कैंसर का इलाज नहीं है, मेडिकल हेल्प जरूरी है। लेकिन जैसा कि आमतौर पर होता है, क्लिप का एक हिस्सा अगर सर्कुलेशन में आ गया तो आप पीछे दौड़ के उसमें बांध नहीं सकते अगला हिस्सा। सही बात है, वो आवारा घूमते रहेगी वो क्लिप। तो इससे ये जितने ऐसे क्वैकरी की जितनी बातें रहती है मेडिकल साइंस के बारे में, खासकर कैंसर को लेके इतने नामी गिरामी आदमी ने जो कहा और जितने डॉक्टरों ने इसको कॉन्ट्रडिक्ट किया, आपको ये भी लगता है कि इतना बड़ा मुद्दा चूंकि ये बन गया है कि सिद्धू की बात बकवास है, सिद्धू की बात बेबुनियाद है, सिद्धू की बात अनसाइंटिफिक है, यानी बकवास मेरा शब्द है, डॉक्टर लोग पढ़े लिखे समझदार रहते हैं, वो मेरी जुबान इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन आपको लगता है कि इससे सिद्धू के कहे हुए से जितना नुकसान हुआ है उससे ज़्यादा फायदा भी हो जाएगा, क्योंकि ये चर्चा में आ गया एकदम? बिल्कुल, तो कई लोगों ने मुझसे पूछा कि अरे इसमें तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है, वो क्यों कर रहे हैं? तो मैंने यही बोला कि कोई पॉलिटिशियन प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करता है? तो वो तो एक जिस चीज़ को हम भूल गए थे, जिस व्यक्तित्व को व्यक्ति को हम काफ़ी समय से चर्चा में नहीं थे, वो वापस चर्चा में है। मैं हूँ ना याद दिला रहा है। तो और फिर क्या होता है कि अगर आपके सामने कोई बहुत बड़ी टीम खड़ी होती है तो उससे आपका भी कद बढ़ता है।
तो इतने सारे लोग अगर मेरे खिलाफ़ खड़े हुए हैं तो ज़रूर मैं कुछ सही बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोगों में ये भ्रांति आई है। तो जैसा आपने बोला, मैंने छोटा सा एक वीडियो बना के डाला था जी, तो उसमें बहुत सारे कमेंट ऐसे ही आए कि ये मेडिकल कम्युनिटी को इतनी मिर्ची लग रही है, इसका मतलब कि इसमें कुछ तो सच है। मुझको एक बड़े सीनियर एडिटर ने मैसेज किया जब मैंने एडिटोरियल लिखा सिद्धू के खिलाफ, इस बयान के खिलाफ, तो बड़े सीनियर एडिटर ने मेहरबानी की, एडिटोरियल कम लोग पढ़ते हैं, उन्होंने पढ़ा और मुझको लंबा मैसेज किया कि मैंने आपका पढ़ा है, ये मॉडर्न मेडिकल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है उसकी साजिश है और वो लोग चाहते नहीं हैं कि जो भारतीय पद्धति या इन चीज़ों से जो इलाज हो सकता है। उन्होंने अपनी मिसाल भी लिखी कि मुझको कोरोना हुआ था, मैंने कोई कोरोना की दवाई नहीं ली, मैं अपना घरेलू इलाज से ही ठीक हुआ। तो मैंने उनको लिखा कि भाई साहब, इस पे चर्चा टेक्स्ट पे नहीं हो पाएगी, एक कप चाय पे हो पाएगी, क्योंकि तो लोग मानते हैं ऐसा बिल्कुल कि अल्टरनेट थेरेपी, होम रेमेडी, इससे भी ठीक हो जाते हैं लोग और कैंसर तक को ठीक होने का जो मान रहे हैं। आपके पास भी ऐसी क्वेरी आती है क्या कि डॉक्टर साहब, मैं होम्योपैथी, आयुर्वेद या कोई और पैथी, इसको ले लूँ क्या? रोज़ आती हैं सर, और रोज़ ऐसे मरीज़ आते हैं जो जिनको समझ में आ गया कि मुझे कैंसर है लेकिन इलाज नहीं करवा रहे हैं और कोई एक साइड ट्रैक ले लें, वो भले ही फिर वो भभूति हो कि शक्कर की गोली हो कि कुछ भी हो। और ये मैं एक चीज़ हर किसी को बताता हूँ कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बीमारी कैंसर नहीं है, हार्ट अटैक नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है। सबसे बड़ी बीमारी हिंदुस्तान की यह है कि हमें बीमारी से ज़्यादा इलाज से डर लगता है। ठीक बोल रहे हैं डॉक्टर साहब। कैंसर तो कैंसर ही है, क्या होगा? कीमोथेरेपी से क्या नुकसान होगा? मेरा आज तक एक भी पेशेंट ने मुझसे नहीं पूछा है कि ये बीमारी को अगर हम इलाज नहीं करेंगे तो क्या होगा? बट ये ऑपरेशन का ये साइड इफेक्ट, उस ट्रीटमेंट का वो साइड इफेक्ट, बाल झड़ जाएंगे क्या डॉक्टर साहब, और क्या होगा? हमने सुना है कि उसका साइड इफेक्ट उसके मेन बीमारी से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। बिल्कुल, तो ये कैंसर में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है लेकिन ये हर बीमारी में है। हार्ट अटैक से उतना डर नहीं है जितना एंजियोप्लास्टी से है, इंसुलिन लेने से ज़्यादा डर है, डायबिटीज़ से हमारा लिवर का और किडनी का और सबका क्या हो रहा है उससे उतना डर नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी अब हमारी समस्या है। और एक मेडिसिन मुझको ऐसी याद पड़ती है जिसमें साइड इफेक्ट से लोग नहीं डरते हैं और उसके मेन इफेक्ट को ही सब कुछ मान लेते हैं। वो आज का मुद्दा नहीं है लेकिन फिर भी मैं छोटी सी चर्चा कर रहा हूँ। मुझको अभी तक वियाग्रा के साइड इफेक्ट से डरते कोई नहीं दिखा। वो एक दवाई है जिसके साइड इफेक्ट से कोई नहीं डरता। वो एक दवाई है जिसके साइड इफेक्ट से कोई डरता नहीं, कोई चर्चा नहीं करता, कोई पूछता नहीं और हर कोई मान लेता है इसका मेन इफेक्ट ठीक है। देखिए, ये बात तो कैंसर पे हो रही है, ज़्यादा हंसी इसमें अच्छी नहीं लगी, लेकिन बात कॉमेडियन की भी हो रही है इसलिए मुझको लगता है थोड़ा हंसना तो बनता है। बिल्कुल, और हम हंसते हंसते ही लोगों को बतला, कॉमेडियन से मुकाबला कैसे करेंगे हम जब तक थोड़ा जब तक बहुत नहीं हंसेंगे। बिल्कुल, मुझको लगता है सिद्धू भी इस हंसी मजाक का बुरा नहीं मानेगा, देखेगा। मुझे नहीं लगता है वो बुरा मानेंगे। तो जब आपके पास ये क्वेरी आती है कि डॉक्टर साहब, ये साइड इफेक्ट ज़्यादा खतरनाक हैं और उससे क्या हो जाएगा इलाज से, और अल्टरनेटिव जो लोगों के पास हैं बतलाए हुए लोगों के सोशल मीडिया के कि ये इसका पानी पी लो और उसका वो खा लो, तो कितनी काउंसलिंग लगती है लोगों को? देखिए, वो बहुत वेरी करता है, बट काउंसलिंग यही होती है कि आपको जो भी ये बोल रहा है उसके पास इसका कोई रिसर्च है क्या? मैं कभी नहीं बोलता कि ये आयुर्वेद काम नहीं करता है या होम्योपैथी काम नहीं करती है। मैं यही बोलता हूँ, मुझे पता नहीं कि वो कितना काम करता है। फेयर इनफ। और मेरे पास जो मरीज़ आते हैं जिनने पहले ये सब लिया हुआ है, वो अपनी बीमारी बढ़ा के आते हैं। बट उसका अच्छा। दूसरा पहलू ये भी है कि अगर किसी की बीमारी कम हो गई तो वो मेरे पास दोबारा क्यों आएगा? तो मैं जिन पेशेंट्स को देखता हूँ वो उन्हीं को देखता हूँ जिनने ये शॉर्टकट लेने की कोशिश की और फिर उसके बाद उसकी वजह से पछताए और फिर बाद में हमारे पास बढ़ी हुई बीमारी लेके आए। और ये इसलिए नहीं मैं बोलता हूँ कि मुझे पता नहीं है क्योंकि मैंने पता करने की कोशिश नहीं की है, ये इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैंने बहुत
खोजने की कोशिश की कि इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च पेपर्स मुझे कहीं मिल जाएं। अब आप बोलोगे रिसर्च तो बड़े बड़े दवाई कंपनी करती हैं, उसमें बहुत पैसा लगता है, वो एक छोटा आयुर्वेदाचार्य कैसे करेगा। इंडिया में हज़ारों आयुर्वेदिक कॉलेजेस हैं, हज़ारों होम्योपैथिक कॉलेजेस हैं, यूनानी कॉलेजेस हैं। बहुत सिंपल सा इसका टेस्ट होता है जो हम भी अपने छोटे छोटे हॉस्पिटल्स में भी करते हैं। बिल्कुल। कि 100 पेशेंट्स को ये दवाई दिया, 100 पेशेंट्स को स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट दिया, और उसके रिजल्ट्स आप देख लीजिए, उनको 5 साल तक फॉलोअप करिए और उसके रिजल्ट्स आप पेपर में पब्लिश करिए। ये रिजल्ट्स मुझे कहीं मिले नहीं, एस्पेशली वो रिजल्ट जहाँ अगर असर है तो भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। हाँ, तो डॉक्यूमेंटेशन के बिना मेरा रेकमेंड करना संभव नहीं है, इसलिए मैं कभी रेकमेंड नहीं करता हूँ ये सब चीज़ें, क्योंकि आपने पढ़ा भी नहीं है, आप जानते भी नहीं हैं। बिल्कुल। जिस गली आप गए नहीं उसका पता कैसे समझाएंगे। मैं ना रेकमेंड कर सकता हूँ ना किसी को बोल सकता हूँ कि ये बकवास है। बिल्कुल। मैं सिर्फ ये बोल सकता हूँ कि मुझे अभी तक इसका कोई एविडेंस नहीं मिला है। बाकी हर एक का अपना विवेक होता है, वो अपने विवेक से निर्णय। बिल्कुल। ये कुछ पेशेंट ऐसे भी रहते हैं क्या कि जो कैंसर के इलाज के दौरान थक कर, डर कर, साइड इफेक्ट से दहशत में आकर, तकलीफ पाकर छोड़ देते हैं बीच में इलाज? बहुत होता है ये। और क्या है, बदकिस्मती से कैंसर का इलाज आसान नहीं है। कैंसर के जितने भी ट्रीटमेंट हैं वो भले सर्जरी हो, कीमोथेरेपी हो, रेडिएशन हो, वो कुछ ना कुछ तकलीफ तो देते हैं। और हमको उस टाइम पे समझना ये रहता है कि तकलीफ टेम्प्ररी है, इलाज की कोशिश परमानेंट की है, और इलाज नहीं किया तो बीमारी परमानेंट है। तो लेकिन कभी कभी स्वास्थ्य भी साथ नहीं देता है, कभी डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि भाई आप अभी ट्रीटमेंट बंद कीजिए, अभी आपकी हालत नहीं है आगे ट्रीटमेंट लेने का। कई बार हमारे पेशेंट्स आते हैं जिनको बहुत बड़े सर्जरी की ज़रूरत होती है और उनकी जनरल कंडीशन उस हिसाब से नहीं होती है। तो अब अच्छे कैंसर स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे ना, तो वो जो प्रिस्क्रिप्शन पे लिखते हैं उसमें एक स्कोर होता है, या तो ECOG स्कोर या कुछ और स्कोर्स हैं कि पेशेंट का फिटनेस लेवल कितना है, वो जरूर, टॉलरेंस कितना है उसका, वो जरूर लिखेंगे। पेशेंट ECOG 4 है, उठ नहीं सकता है, चल फिर नहीं सकता है, अपना काम डेली नहीं कर सकता है, तो उसको बड़ा कैंसर सर्जरी मैं भी मना ही करूँगा। और कोई भी कीमोथेरेपी देने वाला डॉक्टर अगर उनके पास वो जाएगा तो वो उनको कीमोथेरेपी नहीं देंगे। कुछ कीमोथेरेपीज़ होती हैं जो किडनी को टॉक्सिक होती हैं, अगर आपकी किडनीज में पहले से डैमेज है तो वो कीमोथेरेपी कोई डॉक्टर नहीं ही देगा। वो कैंसर के पहले ये किडनी से पेशेंट का नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल। तो कई बार तो हमको भी मना करना पड़ता है, और कई बार क्या होता है पेशेंट की हिम्मत जवाब दे देती है, लेकिन दुख तब होता है जब वो एक छोटा सा टेम्पररी साइड इफ़ेक्ट है जो कुछ दिन के लिए आपको थोड़ी तकलीफ देने वाला है, और उससे डर के आप हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हैं। जैसे बहुत सिंपल सी बात है, आजकल तो मेरे 80-90% ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स को मैं पूरा ब्रेस्ट नहीं निकालता हूँ। अच्छा। और पिछले ये 2024 का डेटा है, कुछ टाइम पहले ही मैंने इसके बारे में बात भी किया था कि मेरे 80% पेशेंट्स को मैंने बोला है कि आपको पूरा ब्रेस्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अच्छा। आज से 15 साल पहले करीब करीब 80-90% पेशेंट्स का हम पूरा ब्रेस्ट निकालते थे, मैं खुद भी निकालता था। तो वो लेकिन ब्रेस्ट निकालना पड़ेगा उसके डर से, बिल्कुल सर्जरी ना कराएं। बिल्कुल। तो ब्रेस्ट तो खराब होगा ही, आपकी ज़िंदगी खराब होगी। वैसे ही जीभ के कैंसर, तो ओरल कैंसर्स भी मैं बहुत करता हूँ, तो जीभ के कैंसर्स में बोलने में थोड़ी सी तुतलाहट आती है ऑपरेशन के बाद। और वो आप लेकिन वही है कि बीमारी को जितना बढ़ने देंगे, लेकिन अगर उस तुतलाहट से बचने की कोशिश करेंगे तो साल दो साल में बोलना ही बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जितने दिन में आप सर्जरी से रिकवर करके थोड़ा ठीक ठाक बोलने लग जाते, उतना टाइम अगर आप ट्रीटमेंट ना करें तो आप कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। पूरा जीभ फूल के और गले को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, और फिर उसके बाद ना बोल सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना सांस ले सकते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है कि हमको टेम्पररी साइड इफ़ेक्ट से, जैसा मैंने बोला, ज़्यादा डर लगता है।
और दूसरा ये भी एक प्रॉब्लम है कि कैंसर के इलाज में कभी कभी तकलीफ़ ज़्यादा होती है, उस तकलीफ़ को हमको सह के आगे बढ़ने की हिम्मत होनी चाहिए। डॉक्टर साहब एक चीज़ बतलाइए कि खुद मॉडर्न मेडिसिन ने कभी कोशिश की है क्या कि जो 3 किस्म की थेरेपी कैंसर की है इससे परे और क्या हो सकता है? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मॉडर्न मेडिसिन इज़ अ बिग इंडस्ट्री, बिल्कुल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, कोबाल्ट ये वो कीमोथेरेपी सब के मशीन हो या मटेरियल हो इन सब की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। आप खुद जिन अस्पतालों में सर्जरी करते हैं यहाँ पे बड़े बड़े अस्पताल हैं वो, मुझको लगता है कि आयुर्वेद और होम्योपैथ के पास तो शायद उतना पैसा नहीं होगा, लेकिन मॉडर्न मेडिसिन के पास इतना पैसा है पूरी दुनिया में। क्या इस इंडस्ट्री ने कभी कोशिश की है कि अपनी जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट जो है, कन्वेंशनल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है कैंसर की, इससे परे भी कुछ देखा जाए? कभी किया है ऐसा? बहुत कोशिशें हुई हैं सर। तो हल्दी के ऊपर जो रिसर्च है वो सबसे ज़्यादा इस इंडस्ट्री ने ही किया है। अच्छा? तो क्यूरक्यूमिन जो उसका एक्टिव प्रोडक्ट है, बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं कि क्यूरक्यूमिन से एंटी कैंसर बेनिफिट्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट है, हार्ट के, लिवर के, बहुत सारी चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है। लिवर नहीं, हार्ट के लिए और डायबिटीज़ के लिए फ़ायदेमंद है। ये प्रिवेंटिव है कि क्यूरेटिव है? ये तो कैंसर सेल्स के ऊपर अगर हम क्यूरक्यूमिन डालते हैं तो कैंसर सेल्स में भी श्रिंकेज देखा गया है। अच्छा? अगर उस टिश्यू तक हम क्यूरक्यूमिन पहुँचा पा रहे हैं तो वो भी हमारे इम्यूनिटी को यूज़ करके कैंसर सेल्स को अटैक करने में मदद कर रहा है। यहाँ तक प्रॉब्लम ये है कि ये साइंस फिर क्या होता है ना, फिर वो पूरा आगे से पीछे तक देखते हैं। तो आप अगर क्यूरक्यूमिन खाते हो तो वो शरीर में पहुंचता कितना है? 0.0001%। क्योंकि हमारे इंटेस्टाइन उसको अब्सॉर्ब करने के लिए बने नहीं। हमको पाव भर हल्दी खाना पड़ेगा तो शायद वहाँ रिक्वायर्ड डोज, और फिर उसके जो साइड इफेक्ट्स होंगे, तो प्रॉब्लम ये है कि क्यूरक्यूमिन को हमारी बॉडी अब्सॉर्ब नहीं कर पाती है। तो अभी उसके लिए भी निकला है कि काली मिर्च साथ में लें हल्दी के साथ, तो हल्दी का अब्सॉर्प्शन, क्यूरक्यूमिन का अब्सॉर्प्शन बढ़ता है और वो हमारे को एंटी कैंसर उसमें मदद करता है। मैं यहाँ पे एक बात हमारे देखने वाले लोगों से साफ कर देना चाहता हूँ कि हम जिन चीज़ों की बात कर रहे हैं ये केवल रिसर्च स्तर की बात है। डॉक्टर साहब की कहीं किसी भी बात को आप टोटके की तरह मत मान लेना कि हल्दी काली मिर्च से कोई इलाज होगा कैंसर का। हम शोध कार्य की बात कर रहे हैं कि दुनिया में अभी रिसर्च किस स्तर पर हो रहा है, केवल उसकी बात कर रहे हैं। अभी आपके दरवाजे तक या कैंसर अस्पताल तक नहीं पहुँचा है। बिल्कुल। और अगर आप ट्रीटमेंट के साथ में ये ट्राई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसको ट्रीटमेंट का ऑल्टरनेटिव ना समझें। आप साथ में ठीक है थोड़ा सा चाय में हल्दी और काली मिर्च डाल के रोज पी लें, उससे मुझे नहीं लगता कुछ बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, लेकिन वो ट्रीटमेंट का एक ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो इन चीज़ों पर भी रिसर्च हो रही है। फिर अभी एक टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, उसका जिक्र चल ही रहा था, तो लोकल एनेस्थीजिया की दवा होती है, एकदम सस्ती सी होती है, वो इतना बड़ा वायल आता है जो 15 पेशेंट्स में काम आ जाता है, जो 100-200 रुपए का आता है, जिसको बहुत सारे अस्पताल और नर्सिंग होम वाले हर पेशेंट के लिए पूरा बुलाते हैं और फिर एक को 15 पेशेंट पे यूज करते हैं और बचा हुआ जो है जो मंदिर से नारियल जैसे वापिस चले जाता है भगवान के पास से, वैसा ये दवाई बिल्कुल ध्यान है। हर पेशेंट से पूरा वायल बुलाया जाता है, एक वायल 10-15 पेशेंट पे चलता है एनेस्थीसिया का, और बचे हुए जो है नारियल मेडिकल नारियल वो वापस चले जाते हैं। ये हो सकता है लेकिन ये इतनी सस्ती सी दवा है। उन्होंने ये रिसर्च किया और प्रॉपर एक रैंडमाइज ट्रायल किया टाटा मेमोरियल में कि ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स में, जिसमें ब्रेस्ट पूरा बचा रहे हैं, उसमें अगर हम ट्यूमर के आसपास ये लगा दें, अच्छा, तो उससे रिकरेंस के और दूसरी जगह स्प्रेड होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अच्छा? इतनी सिंपल सी, मतलब एक पेशेंट को 10-15 रुपए की दवाई एक्स्ट्रा लग रही है। अच्छा? तो इन चीज़ों पे भी शोध चल रहा है। एक सिंपल सा प्रोजेस्ट्रॉन टैबलेट है, जो एक हार्मोन है, वो खाने से कैंसर का, ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स में रिकरेंस का रिस्क कम हो जाता है। वो टैबलेट
गवर्नमेंट में तो फ्री में मिल जाएगी, आप खरीदने भी जाओगे तो 10 रुपये से ज़्यादा की नहीं मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों पर रिसर्च नहीं चलता है या कम कॉस्ट की चीज़ों पर रिसर्च नहीं चलता है। एक आपको बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि इंडिया के ज़्यादातर बड़े बड़े जो कैंसर हॉस्पिटल्स हैं वो चैरिटेबल ट्रस्ट चलाते हैं। वो भले ही टाटा मेमोरियल हो, आप रायपुर के हॉस्पिटल्स देख लें, बहुत सारे हॉस्पिटल्स देख लें, क्योंकि जो लोग समझते हैं कि कैंसर तो पैसा पीटने का काम है, कैंसर उतना प्रॉफिटेबल है नहीं एज अ ट्रीटमेंट। क्योंकि एक प्रॉपर कैंसर हॉस्पिटल बनाना, सिर्फ बनाना, एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट बहुत सैकड़ों करोड़ का खर्चा है। एक रेडिएशन की मशीन जो हम बात करते हैं, एक मॉडर्न रेडिएशन की मशीन 20 करोड़ की आती है, सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट सीटी, लैबोरेटरी, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, बिल बनता है, उसमें ब्याज निकलता होगा उसका। तो ज्यादातर कैंसर हॉस्पिटल्स ब्रेक इवन से थोड़ा ऊपर या ब्रेक इवन के थोड़ा नीचे चलता है। टकसाल नहीं है वो, नहीं। कुछ तरह के मेडिकल फील्ड्स हैं जो मुझे पहले पता होता तो शायद मैं वही ले लेता, लेकिन इस फील्ड में वैसा हॉस्पिटल के लिए कमाई नहीं है। अनफॉर्चुनेटली जब ज़्यादा कमाई होती है, जिस चीज़ में ज़्यादा कमाई होती है वो हमारी गलती है। स्टेज 3 स्टेज 4 में हॉस्पिटल्स की कमाई सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें महंगी दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, आपको लंबे टाइम आईसीयू में रखना पड़ता है, उसको आपको अलग अलग तरह के टेस्ट बार बार करने पड़ते हैं। कहना यह है कि अर्ली डिटेक्शन जो पेशेंट नहीं पाते हैं या उसके लिए नहीं जाते हैं, जो देर से पहुंचते हैं, उनके बचने की गुंजाइश कम और खर्च की गुंजाइश, खर्च की गारंटी ज़्यादा। बिल्कुल। तो एक बहुत खतरनाक स्टेटिस्टिक है, 80% कैंसर्स अगर स्टेज 1 और स्टेज 2 में पकड़े जाएं, 80-90% कैंसर्स जड़ से ख़त्म हो सकते हैं। स्टेज 3 और स्टेज 4 में सिर्फ 20% कैंसर, ये उल्टा हो जाता है अनुपात, यानी स्टेज 1 और 2 में 80% ठीक हो सकते हैं और 3 और 4 में जाके 20% ठीक हो सकते हैं। और इंडिया में कितने आते हैं स्टेज 1 स्टेज 2 में? हाँ, टोटल 25-30%। ये इसलिए है क्या कि हमारे यहाँ डायग्नोसिस फैसिलिटीज़ कम है, एक बहुत सारे वजह हैं। दूसरा, सोसाइटी में जो एक इसका इसकी दहशत है कैंसर शब्द की, कि महिला को पता लगता है कि कैंसर का खतरा दिख रहा है, उसको कुछ दिख रहा है, छुपाते चलती है कि घर बिक जाएगा, काम छूट जाएगा, बच्चों का खाना पीना रह जाएगा मेरे इलाज में, तो महिला सेक्रीफाइस करती है बहुत ज़्यादा। और देखिए, उसके बहुत सारे कारण हैं। एक इकोनॉमिकल कारण है कि कैंसर का, जैसा मैंने बोला, हॉस्पिटल बनाना इतना महंगा है, हॉस्पिटल को रन करना इतना महंगा है, तो प्राइवेट में कैंसर का इलाज भी बहुत सस्ता नहीं होता है। पहले ये होता था कि हार्ट सर्जरी सबसे बड़ी, सबसे महंगी सर्जरी हुआ करती थी, आजकल कैंसर के कई ऑपरेशन उससे कई गुना ज़्यादा कॉस्ट करते हैं। लेकिन उसका एक तोड़ है, अब एक्चुअली आयुष्मान से ये चीज़ बहुत बदली है। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ जिनका, जो कभी ज़िंदगी में अपना इलाज नहीं करवा पाए होते, आज हॉस्पिटल्स में जो आयुष्मान की वजह से आप इलाज करवा पा रहे हैं, वो ज़्यादातर बहुत गरीब तबका है, जिनको टेंशन कई बार ये रहती है कि हम 15 दिन के लिए जाके इलाज करेंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा। हाँ, किसी का चाय ठेला बंद हो जाएगा, किसी का पान ठेला बंद हो जाएगा, मजदूरी रोज की रह जाएगी, खेती। तो जब रुपाई बुवाई का काम होता है तो हमारे कैंसर हॉस्पिटल्स में लोग आने कम हो जाते हैं। बिल्कुल, कि हम कैंसर का वो रोजी कमाएंगे कि यहाँ आएंगे, और आयुष्मान उनको रोजी नहीं देता है, वो प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसे लोग भी अब आके इलाज करवा पा रहे हैं, बहुत फर्क पड़ा है। आज से 15 साल पहले का जो मैं स्टेटस देखता था उससे अब बहुत। मेरा तो ये भी मानना है डॉक्टर साहब कि कुछ ऐसी बीमारियां जिसमें देर से इलाज में नुकसान बढ़ सकता है, जैसे कैंसर है, जिसमें एक मुझको ऐसा लगता है कि अगर बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग, मनरेगा के मजदूर अगर ऐसे इलाज के लिए आते हैं तो इस इलाज के दिनों की उनको रोजी भी मिलना चाहिए कार्ड के थ्रू। बिल्कुल, एक कोई कार्ड ऐसा रहना चाहिए कि एक मजदूर जिसको, जिसकी मेहनत ही उसका कारोबार है
और वो इलाज के दौरान तो मेहनत नहीं कर सकता, मिट्टी नहीं खोद सकता। और घर में किसी और को भी हो तो भी आप तो आपको भी, साथ में तो साथ जाना में ही पड़ता तो जाना ही पड़ता है। तो मुझको ऐसा लगता है, ये एक छोटी सी सलाह है मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, जो भी इलाज की स्कीम बनाते हैं उनके लिए, कि बहुत गरीब मजदूर, बहुत गरीब जिनकी मेहनत ही उनका कारोबार है, वो अगर इलाज के लिए जाते हैं तो ऐसे हर व्यक्ति के लिए दो लोगों की रोजी, क्योंकि साथ में कोई ना कोई तो लेके आएंगे। जितने दिन इलाज की वजह से वो काम से बाहर है, दो लोगों की रोजी भी उनको मिलना चाहिए, तो शायद घर बार से बेफिक्र होके वो अस्पताल आ सकें। ठीक है डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही, बहुत सही सलाह है सर। और ये रेडिएशन वाले पेशेंट्स में होता है, रेडिएशन 1-1.5 महीना चलता है, तो एक्चुअली अब उसके लिए बहुत सारे कैंसर हॉस्पिटल्स चैरिटेबल इंस्टीट्यूट से मिलके एक सराय जैसा या एक ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं। रायपुर में मेकाहारा के बगल में मेकाहारा के बगल भी हैं, सीताराम अग्रवाल जी, बिल्कुल वो निजी देखरेख में इतना अच्छा उन्होंने चलाया कि उसके बाद सरकार ने अपना जो था रैन बसेरा या इस किस्म का पेशेंट के अटेंडेंट के लिए, सरकार ने अपना सेटअप भी उनको दे दिया कि आप हमारे से बेहतर चला रहे हो, आप चलाओ। ये मिसालें हैं, तो कैंसर के उसमें इस तरह के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा बहुत ज़रूरत है। तो एक इकोनॉमिक रीज़न होता है लेट करने का, दूसरा एक रीज़न होता है वही कि ट्रीटमेंट पे भरोसा नहीं है, कि ट्रीटमेंट करवा के भी किसी को फ़ायदा नहीं होता है। और उसका कारण क्या है, क्योंकि उन्होंने देखा है अपने आसपास कि मेरी मौसी को हुआ था, उनका ठीक नहीं हुआ, तो मेरा भी ठीक नहीं होगा, तो मैं पैसा खर्चा क्यों करूं। अब ये समझाना हमारी कम्युनिटी का काम है। तो जो मैं इतने वीडियोस बनाता हूं, कई लोग मुझसे बोलते भी हैं कि आप इतना टाइम निकाल के इतने वीडियोस क्यों बनाते हो, ये समझाना हमारी कम्युनिटी का काम है कि अगर आप अर्ली स्टेज में आओगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, अगर आप लेट स्टेज में परिवार की कमर भी नहीं टूटेगी, बिल्कुल नहीं टूटेगी। तो स्टेज वन स्टेज टू में अक्सर क्या होता है, जैसे मुंह का कैंसर ले लें, तो सिर्फ ऑपरेशन से या सिर्फ रेडिएशन से वो ठीक हो जाएगा, अच्छा आपको और कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर आप बढ़ा के लाएंगे तो आपको ट्रीटमेंट्स मल्टीपल लगेंगे, उसके बाद टेस्ट्स मल्टीपल लगेंगे, और उसके बाद भी रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। तो ये मैं बार बार मैं तोते की तरह रिपीट करता रहता हूं। करना है हथौड़ी से मार मार के दिमाग में इसको कील जैसा घुसा देना है, यानी आप फिजिकली हथौड़े से कील मत डाल दीजिएगा किसी के सिर पे, नहीं तो हम लोगों पे उकसाने का जुर्म दर्ज हो जाएगा। बात को इतनी बार बोलिए लोगों को, जरा भी शक हो किसी को कैंसर का, इतनी बार बोलिए तुरंत चलो जांच के लिए, मैं लेके चलता हूँ या मैं लेके चलती हूँ। मैं आपको बतला सकता हूँ हिंदुस्तान में महिलाएं इतनी समर्पित रहती हैं बाकी परिवार के लिए कि उनको आशंका होती है कि उनको कैंसर तो नहीं हो गया है, तो भी वो नहीं जाती हैं जाँच के लिए, कि जाँच के लिए जाऊँगी तो घर वाले काम धाम छोड़ के इलाज के लिए ले जाएंगे, घर को कौन देखेगा, काम चौपट हो जाएगा। उनको इस बात को समझना चाहिए कि अगर वो देर से जाएंगी, जब उनकी हालत ख़राब होगी तब जाएंगी, तो सब कुछ चौपट और ज़्यादा हद तक होगा। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये एक चीज़ छोटी सी मुझको समझना था, जो गवर्नमेंट का जो हेल्थ का कार्ड है, इलाज का जो कार्ड है आयुष्मान आपने कहा, ये कैंसर के इलाज में क्या क्या कवर नहीं करता है? तो एक जो सबसे बड़ी चीज़ वो कवर नहीं करता है वो है जिसको हम बोलते हैं पैलिएटिव केयर। पैलिएटिव केयर मतलब सिम्टम मैनेजमेंट। तो कैंसर हॉस्पिटल में सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन तो कार्ड में हो जाता है, लेकिन हर पेशेंट को पैलिएटिव केयर से लोग समझते हैं कि वो सिर्फ एंड ऑफ लाइफ केयर है। सिर्फ एंड ऑफ लाइफ नहीं, सिर्फ स्टेज फोर के लिए नहीं है। पैलेटिव केयर का मतलब होता है कि तकलीफ़ को कम करना। तो वो अभी हम उनको पैलेटिव ऑन्कोलॉजिस्ट बोलने लगे हैं, मतलब वो भी हमारी तरह कैंसर का इलाज कर रहे हैं, लेकिन कैंसर के सिम्टम्स का, उसके जितने लक्षण होते हैं लक्षणों का इलाज कर रहे हैं। वो बीमारी का इलाज नहीं कर वो बीमारी का इलाज नहीं, सिम्टम्स का इलाज कर, और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो हमारी बात हुई थी कि परेशानी की वजह से लोग इलाज छोड़ देते हैं, तो वो उस पेन का, उस नौजिया का, आपका जी मचलाने का, आपको कमज़ोरी फील हो रही है, आपका वज़न गिरने लग गया है, इन सब चीज़ों का वो इलाज करते हैं। और वो अनफॉर्चुनेटली आयुष्मान कार्ड में कवर नहीं है, वो किसी भी इंश्योरेंस में भी बहुत
मुश्किल से मिलता है। ये इसमें एक मानसिक मदद भी उनकी करना पड़ता होगा तो इनको। वो बोलते हैं, वो तो मानसिक से आगे जाके बोलते हैं कि हमारा पैलेटिव केयर फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल होता है। अच्छा। क्योंकि ये आप इतने बड़े चीज से गुजरते हैं तो आपका जो स्पिरिचुअलिटी से भी जो कनेक्शन है, हाँ, वो किसी का बहुत बढ़ जाता है और हाँ, किसी का एकदम टूट जाता है। टूट जाता है कि मैं इस पूरे जिंदगी दिन में 3 बार आरती किया, 5 बार नमाज पढ़ा, इसके बाद मेरे को तूने कैंसर दिया और बिल्कुल, और वो आदमी नास्तिक था, उसको तूने कुछ नहीं दिया, ऐसा भी लोग बिल्कुल भरोसा टूट जाता होगा। तो वो तो आदमी सिगरेट पीता है, उसको कुछ नहीं हो रहा है, हाँ, और मैं हाँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, हाँ, और मुझे ये हो गया। मेरे एक दोस्त हैं, उनको मैंने शर्त रखी कि जितनी देर मेरे साथ बैठेंगे आप सिगरेट नहीं पिएंगे, अदरवाइज ही वॉज अ चेन स्मोकर, ही इज स्टिल अ चेन स्मोकर। उन्होंने मुझको मिसाल दिया कि हमारे नाना जो हैं फिराक गोरखपुरी, वो लगातार सिगरेट पीते रहे, वो 80 साल तक, 88 साल तक जिए, मेरे पिता 78 साल तक जिए, रोज सिगरेट पीते थे। तो बुरी मिसालें जो हैं लोगों के अच्छे काम आती हैं तर्क के लिए। तो खुशवंत सिंह एक बड़ी मिसाल बन गए हैं कि उन्होंने सब कुछ किया लेकिन वो तो 96 की एज तक जिए। तो मैं यही बोलता हूँ कि देखिए, हम सबको पता है कि सड़क पे तेज गाड़ी चलाना खराब है। हर का एक्सीडेंट नहीं होता, हर किसी का एक्सीडेंट नहीं होता, और कोई जो स्लो चला रहा है उसका भी एक्सीडेंट हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप मेन रोड पे 120 की स्पीड से बढ़ाओ क्योंकि कोई किसी और को आपने भगाते हुए देखा है। बिल्कुल। तो हम अपने रिस्क को जितना कम कर सके हम कम कर लें। जीरो कोई नहीं कर सकता है और 100% रिस्क भी किसी चीज़ का नहीं होता है कि 100% होना ही है। ये पैलिएटिव केयर की जो बात आपने कही, मैं शायद उच्चारण गलत भी कर सकता नहीं सही है, तो हमने एक कैंसर पेशेंट्स के बीच काम करने वाली सोशल वर्कर हैं सुदेशना रूहान, उनको हमने यहाँ इंटरव्यू किया था स्टूडियो में, एक से ज़्यादा बार किया था। वो लगातार इस बात पर जोर देती हैं कि पैलिएटिव केयर का इंतजाम करना चाहिए, कैंसर हॉस्पिटल्स के साथ ही अनिवार्य रूप से जुड़ना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने भी इस बात को यहाँ पर बार बार जोर दिया था। तो हम तो ये एक चीज़ जो है पैलिएटिव केयर, ये आयुष्मान कार्ड में नहीं, उसमें कई बार बहुत सारी महंगी दवाइयाँ लगती हैं, कई बार बहुत सारे प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं पेन को कम करने के, दूसरे चीज़ों के, और वो कार्ड में कवर नहीं होता है। तो उसमें पेशेंट्स कई बार बहुत सफ़र करते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल क्या करते हैं डॉक्टर साहब? जैसे आप सर्जरी कर रहे हैं तो आपको हॉस्पिटल मैनेजमेंट कहेगा क्या, इसमें ये हिस्सा कवर्ड नहीं है, इसको छोड़ दो, इतना इतना हिस्सा करो, ऐसा होता है क्या? देखिए, आयुष्मान के पैकेजेस जो हैं, खासकर जो सर्जरी के पैकेजेस हैं, वो इस हिसाब से बनाए हुए हैं कि एक बेसिक केयर एक बेसिक हॉस्पिटल में हो जाए, और अगर आप बड़े हॉस्पिटल में और एडवांस केयर देना चाहते हैं तो उतना वो खर्चे उसमें कवर नहीं होता। नहीं, वो उसका पैकेज इतना छोटा सा है कि उसमें हॉस्पिटल को जितना आयुष्मान से मिल रहा है उसका 3-4 गुना लगाना पड़ेगा। तो नुकसान में रह के तो कोई प्राइवेट हॉस्पिटल चला नहीं सकता। तो कई बार ऐसे पेशेंट्स को मना करना पड़ जाता है कि ये नहीं हो पाएगा। तो वो इशू है। कैंसर इशू को लेके कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज ऐसी हैं क्या जो कंप्लीट कवर करती हूँ? तो मेरा सजेशन यही रहता है, आयुष्मान उनके लिए है जिनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल। बट जितने का आप मोबाइल डेटा परिवार का लेते हो उतने में आप पूरे परिवार का हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हो। ऐसा लेकिन लेता कौन है? नहीं, लेकिन ये आपने मिसाल अच्छी रखी है कि जितने का डेटा आप खरीदते हो हर महीने अपने फैमिली के लिए, उतने में आप कैंसर के अगेंस्ट इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। तो आपको अगर एक यंग फैमिली है तो 15-20 हज़ार रुपये साल में आपको एक डिसेंट अमाउंट का इंश्योरेंस मिल जाएगा। हाँ। और वो क्या हुआ, करीब 1,000-1,500 रुपये महीने का। हाँ। उत्ते का तो मोबाइल डेटा आप खरीद ही लेते हो। हाँ। तो हमको तय करना है कि हमारे लिए मोबाइल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारी हेल्थ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कही है डॉक्टर साहब। हालांकि मैं सोचता हूँ उस इंश्योरेंस पॉलिसी को 2 घंटा रोज देखना शाम को, उसमें एंटरटेनमेंट ठीक से मिल नहीं पाएगा। लेकिन उसके लिए सिद्धू जैसे लोग हैं हमारे पास जो फ्री में अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे भी सिद्धू के नाम से लाखों वीडियो हैं।
तो आप उसको देख लीजिए, लेकिन डेटा फिर भी लगेगा उसके लिए। डेटा फिर भी लगेगा, दिन भर का टाइम कटेगा नहीं। गवर्नमेंट का कोई कार्ड जो है डेटा का इंश्योरेंस नहीं देता। वो प्रॉब्लम मुझको एक चीज लगती है जो आप बोल रहे हैं कि जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने वाली कंपनियां हैं उनको हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ एक मेंटल केयर के लिए हम इलाज का इतना कवरेज देंगे प्लस रोज 2 GB डेटा देंगे आपको। तो वो बिकने लग जाएगा। तो शायद बिकने लग जाएगा। बिल्कुल बिकने ऐसा लग कुछ जाएगा। करना पड़ेगा डॉक्टर साहब, आपसे बातचीत बड़ी दिलचस्प रही और गंभीर मुद्दा था, उतने हंसी मजाक का था नहीं, लेकिन हम अगर चेहरे को लटका के बैठते तो शायद कोई सुनता भी नहीं हमारी बात को। मैं एक बात को लेकर उत्सुक हूँ। मैं तो हमेशा ही काले कपड़े पहनता हूँ पूरे ही समय। आप भी आए अचानक तो मैं देख रहा हूँ आप भी सिर से पैर तक काले कपड़ों में हैं। काला कपड़ा जो है वो तो मेडिकल साइंस में जिंदगी और मौत में थोड़ा मौत के सिंबल के रूप में जाना जाता है। मैंने मौत का जो प्रतीक आता है तो वो ऐसे एक हथियार लिए हुए हाँ, और तो वो काले कपड़े काले कपड़ों में आता है। आपको कभी ये नहीं लगा कि ये काला कपड़ा देख के लोग दहशत में आ जाएंगे कि ये आज तक सोचा नहीं था मौत का रंग है ये? तो आज तक सोचा नहीं था भी जाके पिंक कलर के कपड़े बनवाता हूँ। लेकिन ये उसमें मैंने लिख दिया मेरा नाम तो पिंक में ही है तो बाकी भले ही काला हो। यानी मैं तो सोच रहा हूँ कि लोगों के ऊपर उसका असर क्या पड़ता होगा, क्योंकि मेरा मानना है असर पड़ता है। बिल्कुल। एक दूसरी बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, ये बात तो हंसी मजाक में की मैंने डॉक्टर साहब से, एक दूसरी बात गंभीरता से कहना चाहता हूँ। न केवल हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में काले रंग को विरोध का प्रतीक मान लिया गया है। काले झंडे दिखाना, काली रिबिन बांधना, काले कोई प्रतीक पोस्टर काले रंग का, बैनर काले रंग का, ब्लैक डे डिक्लेयर करना, ब्लैक मार्केटिंग डिक्लेयर करना, जितने तरह का इस्तेमाल काले रंग का होता है, काले शब्द का होता है, मैं आपको बतलाता हूँ ये नाजायज है। अमेरिका में जिनको कि यहाँ पे लोग जो है नॉन वाइट्स कहते हैं वो अपने आप को काला कहलाना पसंद करते हैं कि हम नॉन वाइट नहीं, हम अश्वेत नहीं है, उनसे जोड़ के क्यों बोलते हो, हम काले हैं, हमको काला कहो। ऐसा हमारे यहाँ काले रंग को लेके, डॉक्टर साहब ने भी पहना है, मैंने पहना है, इसलिए मैं आपके सामने कह रहा हूँ, काले रंग को लेके हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में जो धारणा है कि विरोध का प्रतीक है, ये नकारात्मक है। और तो और हिंदी में अगर आप बच्चों के लिए बनाया हुआ एक गाना सुनेंगे, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा काले चोर ले गए। मेरा मानना है कि ये गाना केवल हिंदी में बन सकता था, उत्तर भारत में बन सकता था। कोई दक्षिण भारतीय जिनका कि रंग थोड़ा सा सांवला रहता है, काले की तरफ रहता है, वो लोग ऐसा गाना नहीं बनाएंगे। आप कन्नड़ में, तमिल में, मलयालम में ऐसा गाना नहीं सुनेंगे कि चोर काले रंग का है। तो इस बारे में थोड़ा सोचिएगा। हम लोग तो फैशन के बतौर ऐसा रंग पहन रहे हैं, डॉक्टर साहब पता नहीं किस वजह से पहनते, मैं तो इसलिए पहनता हूँ कि इसमें उम्र 1-2 साल कम दिखती है, मौत भी आएगी तो देख के चली जाएगी कि अभी जवान है आदमी, छोड़ चलो। लेकिन काले रंग के इस्तेमाल, प्रतीक, प्रतिरोध, नकारात्मक इस्तेमाल के बारे में आप सोचिएगा जरूर। हम आपसे फिर मिलेंगे। डॉक्टर साहब से इतनी दिलचस्प बातचीत हुई, मुझको मालूम नहीं था, मेरी इनकी मुलाकात पहली है। मैं समझ रहा था कई डॉक्टर बहुत चिड़चिड़े मखन्नस किस्म के होते हैं, फिर भी बातचीत तो करना ही है। लेकिन ये कॉमेडियन सिद्धू के मुकाबले उन्हीं के टक्कर की ये बातचीत हुई है। आप इसको मजाक में मत लीजिएगा, आप इन बातों को गंभीरता से लीजिएगा। मैं उनकी कही हुई बात में से पहली बात आपके सामने दोहरा रहा हूँ, आपको जरा भी लगे कि कैंसर का कोई खतरा हो सकता है, आपको जरा भी लगे कि आपकी उम्र ऐसी हो गई है कि आपको स्तनों की जांच करवानी है, आप तमाकू गुटखा कुछ खाते हैं, मैं तो रोज ही आपके सामने बोलता हूँ, अभी फिर बोलूँगा, आप तुरंत जाकर कैंसर की जांच कराइए। अगर शुरुआती वक्त पे आप चले जाएंगे स्टेज 1 स्टेज 2 में तो 80% संभावना है कि आप बच जाएंगे। अगर आप स्टेज 3 और 4 में पहुँचेंगे 80% संभावना है कि आपके घर वाले गया जी या कहीं और जाएंगे, जहां भी आपकी धार्मिक मान्यता हो। आपने ध्यान से सुना हम लोगों को, गंभीर मुद्दा है, आप सोचिएगा इस बारे में। मैं चलते चलते एक बात को फिर दोहराऊंगा,
बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू अगर आप कुछ भी खाते पीते हैं तो उसको छोड़ दीजिए। इससे कैंसर का शर्तिया खतरा रहता है, शर्तिया खतरा रहता है। डॉक्टर साहब बतला रहे हैं कि किस तरह से मुंह का इलाज करना पड़ता है, जीभ कहीं काटनी पड़ती है, बहुत बड़ा खतरा रहता है, पूरा का परिवार बिक जाता है, पूरे घर के लोग टूट जाते हैं, पढ़ाई लिखाई छूट जाती है। ऐसी ज्यादती अपने परिवार के साथ मत कीजिए। तंबाकू से मोहब्बत और अपने घर से हिकारत, ये अच्छी बात नहीं है। अटल जी रहते तो कहते ये अच्छी बात नहीं है। डॉक्टर साहब बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मज़ा आया, थैंक यू।